अस्सलाम वालेकुम। पार्ट वन का रिजल्ट आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंबाइंड पेपर दिए हुए थे। पार्ट टू का रिजल्ट पहले आ गया था, तो जब पार्ट टू का रिजल्ट आया था उनका लिखा हुआ आ रहा था RL पार्ट वन, यानी कि रिजल्ट लेट पार्ट वन, क्योंकि पार्ट वन का रिजल्ट अभी तक नहीं अपलोड हुआ था। तो इसलिए फिर उनके रिजल्ट पे RL पार्ट वन, लेकिन वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों का पार्ट टू पास है। तो अब ये है कि अब पार्ट वन का आज रिजल्ट आया है, स्टूडेंट रिजल्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट वन का रिजल्ट चेक कर रहे हैं, उनका रिजल्ट शो हो रहा है। लेकिन जब वो पार्ट टू का अपना रिजल्ट चेक करती है ना, तो तब उसके ऊपर वही चीज़ लिखी हुई है RL पार्ट वन, यानी कि पार्ट वन का आज रिजल्ट आ गया। तो पार्ट वन का रिजल्ट जब चेक करते हैं वो रिजल्ट सामने आ रहा है, लेकिन पार्ट टू का रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को जैसा गाइड करूँगा वैसे ही होगा, क्योंकि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ मैं कन्फर्म ही बताता हूँ। बाकी चीज़ें जो होती हैं वो यूनिवर्सिटी ने मैनेज करनी होती हैं, वो आप लोग देख लीजिए करें, मतलब जैसे रिजल्ट अपलोड करना, ये सारी चीज़ें उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो काइंडली ये चीज़ जो है ना, थोड़ा सा कमेंट्स के लिहाज से ज़रा ना बद मतलब कि जो गलत कमेंट्स करती हो ना, काइंडली पढ़े लिखे हो तो आप लोग पढ़े लिखों वाली हरकतें किया करो, ठीक है, ना कि जहलों वाली। तो अब ये बच्चे जिनके पार्ट टू का रिजल्ट अभी चेक करते हैं, तो RL पार्ट वन लिखा हुआ था। बेसिकली रिजल्ट जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पार्ट वन का, इस वजह से जो है ना वो पार्ट वन का जब ना आया हो तो पार्ट टू का जो है वो लिख दिया जाता है RL पार्ट वन। अब रिजल्ट आ गया ना, जो जो बच्चों का पार्ट वन का रिजल्ट आया, सप्ली है, ये जो भी आया, वो रिजल्ट आप लोग देख लो अपना, लेकिन पार्ट टू आपका पास है। अब बात ये है कि ये जो रिजल्ट्स होते हैं ना, ये अपडेट एक दफ़ा ही होते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो जब आपको ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड जब डिलीवर होने हैं ना, उम्मीद है इंशाल्लाह कि नेक्स्ट वीक आपको डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे, जब डिलीवर होंगे ना वो रिजल्ट आपका कंप्लीट आएगा, उसके ऊपर RL पार्ट वन नहीं लिखा होगा, उसके ऊपर आपके पार्ट टू के सारे मार्क्स शो होंगे, क्योंकि ऑनलाइन जो है ना वो दोबारा अपडेट नहीं करते रिजल्ट, इसलिए आप लोगों का अभी भी RL पार्ट वन लिखा हुआ आ रहा है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड आएंगे ना, या फिर ओरिजिनल जो डिटेल मार्कशीट अगर अपलोड करते हैं, या फिर रिजल्ट कार्ड आपके घरों में आती है ना, वो पूरे आएंगे। आप लोगों को RL पार्ट वन की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना वो बार बार RL पार्ट वन को जो है वो क्लियर नहीं करती, बस वो जब ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड डिलीवर करती है ना, तो वो ओरिजिनल आप लोगों को मिल जाते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। ये RL पार्ट वन लिखा भी हुआ है तो इसकी टेंशन ना लो, आप लोगों को ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड मिल जाते हैं नेक्स्ट वीक तक, तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कंप्लीट आएगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पार्ट वन का रिजल्ट चेक करो, सप्ली है या कोई मतलब सप्ली है या पूरा पास है वो आप लोग देखो। जिनका RL पार्ट वन अभी भी लिखा आ रहा है ना, पार्ट टू वालों को अब पार्ट वन का रिजल्ट आया है, पार्ट टू का जब चेक करते हैं ना, तो RL पार्ट वन लिखा हुआ, तो इसका कोई मसला नहीं है। ये आप लोगों को जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड आपके घरों में आने हैं ना, वो आप लोगों को कंप्लीट मिलने हैं। उम्मीद है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।